मैक्सिमा और मिनिमा जो चैप्टर चल रहा था उसमें ऐसा लगता है, मुझे याद है जहाँ तक, कि मैंने 24 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व किए थे। बताइए आप कहाँ तक सॉल्व किए थे हमने? 24 तक ना। चलिए 25 नंबर देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 में पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से देखिए। लिखा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण टैन इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। एक शंकु है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, उसकी तिर्यक ऊंचाई कैसी है? दी गई है। और आयतन कैसा है उसका? महत्तम। ये महत्तम दिखाना है आपको, तो आयतन हमारा फलन बनेगा। शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण होगा वो टैन इनवर्स अंडर रूट 2 है, आपको शो करना है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। मान लिया कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई h है और उसके रेडियस r है। माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। इसमें यह बोला गया कि तिर्यक ऊंचाई, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई हमको दी गई है। तिर्यक ऊंचाई हमने एल मान ली, ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई हमने L के बराबर ले ली, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि ये दी है, इसलिए इसको हम किसकी तरह से ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह से इसको ट्रीट किया जाएगा, याद रखिए। और ये दोनों वेरिएबल रहेंगे H और R। आयतन हमको महत्तम दिखाना है। आयतन अगर आपको महत्तम दिखाना है, इसका मतलब ये हुआ कि फलन हमारा किसका बनेगा? आयतन का, शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 πr² h। इसी को मुझे महत्तम दिखाना है। प्रॉब्लम यह है, महत्तम तो हम दिखा दें इसको, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं r और h, हमें इसके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम ये काम कैसे करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, आर स्क्वायर का आपको याद है बेटा, एल एच और आर के बीच एक रिलेशन होता है, आर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये एल और आर और एच के बीच का रिलेशन है। अगर यहां से आप आर निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ये यहां लिख दो। देयरफोर वी इज इक्वल टू 1/3 πr, और आर स्क्वेयर की जगह सीधे सीधे क्या लिख दिया जाएगा? एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, और उसके साथ में बेटा एच और लिख दिया हमने। अब आप देखो आपका जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होके आया कि नहीं आया। 1/3 πr इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, एल कॉन्स्टेंट है बिकॉज दिस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन एंड द क्वांटिटीज विच आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन आर टेकन एज कॉन्स्टेंट, उनको हमेशा कॉन्स्टेंट की तरह लेते हैं। एच वेरिएबल है तो पूरी इक्वेशन में केवल एच ही एक ऐसा टर्म बचा जो कि वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। तो ठीक है, आपका फंक्शन तैयार है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां से क्या टेक्निक है याद है किसी को? H के सापेक्ष अवकलन करने पर, H के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम इसको लिखोगे डी डी एच ऑफ वी इज इक्वल टू 1/3 πr। एक काम कर लो बेटा, आप H का अंदर गुणा करवा लो,
तो ये क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर एच, और फिर एल स्क्वायर एच का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एच क्यूब, एच क्यूब का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एच स्क्वायर। एक स्टेप बीच में से मैंने थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिया है, आप थोड़ा सा समझ सकते हो आई होप की। ये डी डी, ये डी डी एच ऑफ वी की वैल्यू निकल के आ गई। देखो अब इसके बाद क्या करना चाहिए बताइए, इसके बाद करना ये चाहिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एच ऑफ वी का मान जीरो होना चाहिए। तो डी डी एच ऑफ वी की वैल्यू जीरो के बराबर लिखेंगे, ये डी डी एच ऑफ वी है, वन अपॉन थ्री पाई अंडर ब्रैकेट एल स्क्वेयर माइनस थ्री एच स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ये पाई बाई थ्री उधर जाके जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। इसमें भी आप जब इसको उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा थ्री एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर, देन एच इज इक्वल टू, या एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर अपॉन थ्री, देन एच इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री। ठीक, ये एच की वैल्यू मिली। अब क्या करना चाहिए बताइए, वी का द्वितीय अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वायर, इसको एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन बाई थ्री पाई ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, थ्री एच स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए, सिक्स एच, सिक्स एच। इस तरह से बेटा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर की वैल्यू है, थ्री से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस टू एच अपॉन थ्री, नहीं सॉरी, ये तीन से दो बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू पाई एच। देखो माइनस तीन दुना छः पाई एच। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब h इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री पर, मतलब जब h की वैल्यू ये है उस वक्त हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, कितना आएगा पर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू पाई h की जगह पर l अपॉन अंडर रूट थ्री। वैल्यू का निशान कैसा आया, देखो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आना इस बात का संकेत है कि लिख सकते हैं, अतः एच इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री पर एच इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री पर उच्चतम है कि न्यूनतम है, कौन, अरे v, v मतलब शंकु का आयतन, h इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री पर शंकु का आयतन उच्चतम है। अब उच्चतम तो प्रूव कर दिया और ये भी मिल गया मुझे कि आयतन उच्चतम होने के लिए एच कितना होना चाहिए। अब करना क्या था, करना यह है कि शंकु का अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स अंडर रूट टू होता है, यह आपको प्रूव करना है। शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, देखो शंकु का यह कोण जो होता है ना, इसको बोला जाता है अर्ध शीर्ष कोण। मान लिया शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना है, थीटा, तो यहां लिख देते हैं माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण
थीटा है, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, और इसमें टैन लाना है तो टैन के लिए मुझे टैन थीटा सूत्र लगाना पड़ेगा। इसका कुछ नाम रख दो, ए बी सी। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर क्या है बीसी और बेस कितना है एबी, टेन थीटा इज इक्वल टू बीसी, बीसी कितना है आर और एबी क्या है एच। अगर आर और एच पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आर कैसे पता लगेगा, आर यहां से पता लगेगा भाई, ठीक है। चलो यहां रखो, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान कितना है देखो, एल स्क्वायर अपॉन थ्री, तो एच स्क्वायर की जगह बहुत डायरेक्ट हम एल स्क्वायर अपॉन थ्री लिख देते हैं। एक मान लो थ्री एल सी एम ले लो, ये थ्री एल स्क्वायर माइनस वन एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर, ये भैया वैल्यू किसकी आ गई आर स्क्वायर। तो बेटा आर का मान बता दो फिर, अंडर रूट टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री, अंडर रूट टू एल अपॉन अंडर रूट थ्री। नहीं समझ में आया, अब रख दो वैल्यू यहां पे, आर की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखेंगे अंडर रूट टू इंटू एल अपॉन अंडर रूट थ्री, ये अपॉन का निशान लगाया, एच की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे एल अपॉन अंडर रूट थ्री। अब आप देखिए अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचा बेटा, बच्चा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट टू, यही आपको सिद्ध करना था। अब आप बताएं ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, आया। इस तरह के लगातार आप कई क्वेश्चन लगा रहे हो देखो कुछ दिनों से, एक दो दिन से, तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहें, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं आपके, ठीक है। तो जल्दी से नोट करें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे है, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। क्वेश्चन सुना आपने, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, पृष्ठ कैसा है दिया हुआ, तो जो पृष्ठ होगा उसको हम कांस्टेंट कितने ट्रीट करेंगे, और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, इसके साथ शब्द महत्तम लग गया तो शंकु का आयतन ही हमारा क्या बन जाएगा फलन। अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, ये इस बार प्रूव करना है। पिछली बार इसी अर्धशीर्ष कोण को कितना लाना था, टेन इनवर्स अंडर रूट टू, और इस बार साइन इनवर्स 1/3 के बराबर लाना है। चलिए देखिए फिर से हम शंकु बना देते हैं, मुझे साफ ही नहीं करना चाहिए था, उसी से काम बन जाता यार। बउआ देखो भैया, शंकु की ऊंचाई हमने कितनी मान ली एच, शंकु की रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड यू ऑल नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उधर ले लो या इधर ले लो, इसको बोलते हैं अर्धशीर्ष कोण। तो इसको क्या बोलते हैं, यह भी अर्धशीर्ष कोण है। अरे अगर ये अर्धशीर्ष, अर्धशीर्ष कोण का क्या मतलब है, शंकु के शीर्ष पर जो कोण बना उसका आधा, बस, तो आधा उधर है आधा इधर है। अर्धशीर्ष कोण हमने कितना मान लिया थीटा, चलिए लिख लेते हैं माना
माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, त्रिज्या स्मॉल r, अर्धशीर्ष कोण थीटा, ठीक है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, अर्धशीर्ष कोण को इसके बराबर ला के दिखाना है हमको, ठीक है। महत्तम किसको दिखाना है, शंकु के आयतन को। दिया क्या हुआ है, पृष्ठ, तो शंकु का पृष्ठ सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। देखो पृष्ठ के साथ ये नहीं बोला कि वक्र पृष्ठ है कि कौन सा है, इसलिए हम क्या लेंगे हमेशा इसका संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का पृष्ठ बता सकते हैं क्या होता है, दो चीजें आएंगी उस पर, एक तो आएगा वक्र पृष्ठ उसका और एक उसके आधार का क्षेत्रफल आएगा। वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार वृत्त के आकार का होगा तो पाई आर स्क्वायर, इसी में से आप पाई आर कॉमन कर लो तो पाई आर एल प्लस आर आपको सूत्र बता दिया जाता है। तो यह शंकु का पृष्ठ, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर लेते हैं, एस से आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। पृष्ठ को सरफेस बोलते हैं ना, बस फर्क इतना होता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको टी एस ए लिखा जाता है और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसको सी एस ए लिखा जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस तो दोनों है इसलिए एस आप लिख लो। अब हमको क्या महत्तम क्या दिखाना है बोलो, आयतन, तो इसी को हम अपना फलन बनाएंगे। शंकु का आयतन v इज इक्वल टू महत्तम आयतन वाले 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक। इसी को मैक्सिमम शो करना है, आप बताइए बस बन गया फलन या कोई प्रॉब्लम है अभी आपको, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है दो वेरिएबल है r और h और हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल वेरिएबल में इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, कोई रास्ता है आपके पास, या तो r को h के पदों में निकाल के यहां लिख दो और या तो h को r के पदों में निकाल के यहां लिख दो। अब यहां पर और कहीं हमारे पास h है नहीं, तो हम एक काम सबसे पहले तो करना पड़ेगा, हमें 1/3 पाई r स्क्वायर h, याद करिए जरा आप कि L और H में क्या रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, पहले H को L के पदों में बदलो, तो बताइए बउआ H का मान कितना मिलेगा, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बेटा देखो ऐसा होगा कि नहीं, इसको इधर लाएंगे फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, देन h विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच एस आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह पर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप बताइए क्या यह सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, क्या ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, हो गया। कौन सा वेरिएबल है यहां पर बताओ, r, और पाई कैसा है, 3 कैसा है, l कैसा है, गलत। l कांस्टेंट क्यों होगा, क्या उन्होंने बोला कि दी गई त्रिज्या ऊंचाई है, आपको हमने क्या सिखाया है, पूरा सिखाया हुआ बेकार कर दिया आपने। क्या सिखाया था हमने, जिसके बारे में क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि यह दिया गया है वही केवल क्या हो जाएगा, तो ऐसा सवाल में बोला है क्या L के बारे में, देखो नहीं बोला, तो L कांस्टेंट नहीं है। इट मींस स्टिल आवर फंक्शन हैज टू वेरिएबल्स, अभी भी
हमारे फलन में दो ही वेरिएबल हैं, एक नहीं है, तो फिर एक लगावे का फायदा? इसको लगाने का ये फायदा हुआ कि पहले हमारे फंक्शन में दो वेरिएबल थे, आर और एच। आर तो कहीं कहीं दिखता भी था, एच तो कहीं दिखता ही नहीं था। अब कम से कम आर और एल दो वेरिएबल हैं और दोनों हमें दिख रहे हैं, अब तो अब हम बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर या तो पूरे को आर में बदल लो या तो पूरे को एल में बदल लो। आप क्या करना पसंद करेंगे? आर का एल में बदल दें, मतलब आर का मान निकाल के रखें। मुश्किल है बेटा, ये एक पावर है, ये दो पावर है, आप आर का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा, द्विघात समीकरण की तरह से निकालना पड़ेगा। तो किसका निकाल के रखो, एल का निकालो, ये बेस्ट रहेगा। एल की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान कीजिए, इसको इधर भेजो पहले, तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस। फिर एल के साथ पाई आर मल्टीप्लीकेशन में है, उसको भेजो तो कैसे आ जाएगा, भाग में। इस तरह से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इसीलिए हमने यहां थोड़ी जगह ऐसा छोड़ दिया था ताकि हम ये कर सकें। समझ में आया? आप भी छोड़ा करो, अब तो एक्सरसाइज खत्म होने को आ गई। मिसलेनियस में आएंगे फिर आप ऐसा करिएगा। तो एल का ये मान लिखेंगे भाई हम, बेटा देखो, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ एल, स्क्वेयर करना है, ये एल है इसका स्क्वेयर करिए। ऊपर तो a माइनस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 माइनस 2ab करोगे, 2ab तो माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में बेटा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और आगे बढ़ाओ, माइनस में क्या लिखा है भैया, आर स्क्वायर। ये हमको क्या मिला, वॉल्यूम। अब ये सिंगल वेरिएबल में है कि नहीं है चेक कर लो जरा। 1/3 कांस्टेंट, पाई आर एस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? क्यों? हाँ, क्योंकि किताब ने बोला कि दिया हुआ प्रश्न, अगर प्रश्न दिया हुआ है तो ये कांस्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, पाई कांस्टेंट आर वेरिएबल, एस कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर वेरिएबल। अगर पूरे में आप चेक करने जाओगे एक वेरिएबल मिलेगा आर, और अब हमारा काम बन गया। इसके नीचे एक मानो, एलसीएम ले, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, हमने एलसीएम ले लिया। बउआ देखो, एक से इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा यही लिखा जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करने जाओगे तो पहले इसको लिख दो, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। और ये माइनस लगेगा और इसके बाद पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर से होगा, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4। आप ध्यान से देखो, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 पॉजिटिव और पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर। तब तक ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वर्गमूल में है, बाहर आके क्या बन जाएगा बताओ, पाई आर बन जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, अंदर में आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। बउआ हो, नहीं समझ में आ रहा, ये आ रहा है यहां तक? यहां पर पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर भी कैंसिल, v इज इक्वल टू 1/3 एक आर बचा,
अंडर रूट एस स्क्वेयर माइनस टू एस पाई आर स्क्वेयर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बना। अब इसमें अंडर रूट आ रहा है, या तो इसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लो और अवकलन करना, आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करो। बट वी आर सीइंग दैट देयर इज वन स्क्वेयर रूट, और स्क्वेयर रूट को डिफ्रेंशिएट करना नामुमकिन नहीं है पर डिफिकल्ट है, कठिन तो है ना। तो हम अंडर रूट हटा देना चाहते हैं। हमारे पास जब तरीके हैं तो हम अपने क्वेश्चन को कठिन क्यों रखें, हम इजी बनाएंगे उसको। तो हम इजी बनाना चाहते हैं, स्क्वेयर कर दो दोनों साइड्स का। ये टेक्निक मालूम है ना आपको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर अपॉन 9, और इसका तो अंडर रूट जाएगा एस स्क्वेयर माइनस टू एस पाई आर स्क्वेयर। अब एक काम छोटा सा और कर लो, आर स्क्वायर को अंदर लेते जाओ, और एक काम करो, वी स्क्वायर को कुछ मान लो, माना वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ठीक। तो वी स्क्वायर की जगह पर पी लिख देंगे, 1/9 आर स्क्वायर अंदर भेजे दे रहे हैं, तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई r टू दी पावर 4। ये अब फलन हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसी का अवकलन वगैरह इसी से चालू करेंगे, इसी पे हम अपनी सारी प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अवकलन। तो अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, dp अपॉन dr इज इक्वल टू 1/9, डी डी आर ऑफ पी इज इक्वल टू 1/9। यहां पर बताइए आर स्क्वायर का 2r आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 एस स्क्वायर आर, 2r इसका और एस स्क्वायर ये, तो 2r और एस स्क्वायर माइनस 2s पाई तो कांस्टेंट है, r टू दी पावर 4, 4r क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एस पाई आर क्यूब। बेटा यहां तक आया समझ में आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है बताइए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी आर ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0। डी डी आर ऑफ पी की ये वैल्यू है 1/9 ब्रैकेट के अंदर 2 एस स्क्वेयर आर माइनस 8 एस पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये 1/9 का 0 के साथ जाके 0 हो गया। ये जो बचा इनमें से कुछ कॉमन हो सकता है तो ले लो, 2s r कॉमन हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, s, 2r चला गया s, यहां पर बचेगा पहले तो 4, s चला गया r चला गया, एक तो 2r बचे और पाई बचा इज इक्वल टू 0। ये 2s भी कांस्टेंट है, इसको भी उधर भेज दो, तो रह जाएगा r और s माइनस 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस r को 0 लेंगे, एक बार इस वाले टर्म को 0 लेंगे, तो जब आप बेटा इसको 0 लोगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और बुआ जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो r का मान कितना आएगा, s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 4 पाई, r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। ये r की दो वैल्यूज निकल करके आ जाएंगे, जिनमें से ये वाली वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, r क्या है, शंकु की त्रिज्या, और इसका कहना है कि शंकु की त्रिज्या कैसी है, 0, यानी कि शंकु में त्रिज्या नहीं है केवल हाइट है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये एक लाइन बन जाए, क्यों,
त्रिज्या होगी नहीं, तो शंकु जो ऐसा फैला हुआ है वो ऐसा चिपक जाएगा बिल्कुल, तो ये ऐसा आ जाएगा सीधे, तो ये पॉसिबल नहीं है, आर जीरो नहीं हो सकता, बस इतना समझ लो। अब हमें क्या करना है बताओ, आर निकाल लिया हमने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, इसका अवकलन करिए। नाउ डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, इसका करना है, सॉरी ये डी डी आर बाई डी डी आर ऑफ पी, इसको करिए 1/9, बेटा आर का कितना हो जाएगा एक, तो यहां पर क्या बचेगा 2s स्क्वायर माइनस आर क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर को 8s पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24s पाई आर स्क्वायर, ये डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर आ गया। अब आर इज इक्वल टू ये नोट कर देंगे एस अपॉन 4π पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रखिए वैल्यू भाई 1/9, 2 की जगह पर 2 एस स्क्वायर माइनस 24s π, और यहां पर बउआ देखो क्या है आर स्क्वायर, आर का मान अगर ये है तो आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा एस अपॉन 4π, देखो पाई से पाई कैंसल, 4 से 6 टाइम्स में कैंसल। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये है 2s स्क्वायर और ये है माइनस का 6s स्क्वायर, s इंटू s स्क्वायर हो गया ना, तो 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर माइनस का 4s स्क्वायर, तो माइनस का आया, बस ये पर्याप्त है हमारे लिए, आया कितना इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो d स्क्वायर p अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, और इसका नेगेटिव आना इस बात का संकेत है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4π पर शंकु का आयतन महत्तम है या उच्चतम है, और अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, फिर इसके बाद थीटा को ये प्रूव करके दिखाना है। आप एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लगाते हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास अभी। इसका निगेटिव आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखो ये नोट कर चुके हैं आप, ये दोबारा से ना नोट कर लीजिएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं, अतः r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4π पर शंकु का आयतन महत्तम है, इन्होंने महत्तम लिखा है तो हम भी महत्तम लिखे दे रहे हैं, शंकु का आयतन महत्तम है, तो शंकु का आयतन महत्तम तो हमने दिखा दिया भाई। अभी एक काम करना बाकी है, अर्ध शीर्ष कोण को साइन इनवर्स 1/3 लाना बाकी है, चलिए करते हैं फिर इसको, साइन इनवर्स लाना है तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा यहां पर आपको, तो यहां पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हम साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, थीटा के लिए लंब है BC और कर्ण कौन है AC, तो हमने यहां लिख दिया BC अपॉन AC, BC कितना है R और AC की वैल्यू कितनी है, AC तो L है, देखो AC त्रिज्या ऊंचाई है कि नहीं, तो ये तो L है, अब हमको L की वैल्यू चाहिए भाई, L की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है लिखो फिर,
R अपॉन L, L की जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर करेंगे, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा और इसको पाई आर स्क्वायर बना देगा। देखो जरा ध्यान से, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आपको? R की जगह R लिखा, L की जगह पर बेटा ये लिख दिया, तो S माइनस पाई स्क्वायर अपॉन पाई आर है ना, ये पलट के ऊपर चला गया, तो पाई और R से मिलके आर स्क्वायर कर दिया उसने। अब मुझे करना ये है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहां से सब कैसे हटेंगे। आप एक काम करो, S का मान लिखो, रखने को आप R का मान भी लिख सकते हो, आपके पास R का मान भी है, लेकिन R का मान लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो मैं S का मान लिखे दे रहा हूं। S कहीं है आपके पास? यहां से निकल आएगा, देखो S माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन S इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर। ये लाइन नहीं समझ में आई आपको? आ गया? अरे ये क्या लिखा है पढ़ के बताओ, S माइनस फोर पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो S इज इक्वल टू, समझ आ गया? यही तो कह रहे हैं हम आपसे। देखो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर रहने दो, S को क्या लिख दो? माइनस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से ओ आई एम सॉरी, मैंने थ्री भी कर दिया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा बेटा बता सकते हैं आप मुझे? साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री बचा या कुछ और बचा? वन अपॉन थ्री बचा भाई, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन थ्री। और आप देखो यही आपको सिद्ध करना था, नहीं समझ में आया? ऐसे करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी सही से। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई पर 0.5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? ये एक वक्र दिया है बेटा और एक आपको पॉइंट दिया गया है 0.5, और आपसे पूछा गया कि इस वक्र पर वो वाला बिंदु बताओ जो 0.5 से न्यूनतम दूरी पर है। क्या आपको याद है वक्र ये कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई टाइप का है, तो ये कर्व ऐसा बनेगा। ये हमने बना दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई, एक पॉइंट कहीं 0.5 है, 0.5 कहां पड़ेगा? वाई एच पर, यहां पर मान लिया, मान लिया ये बिंदु है 0.5। अब इस परवलय पर आपको एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है जिसकी दूरी उस बिंदु से न्यूनतम हो। मान लिया कि वो बिंदु यहां पर है और इस बिंदु का निर्देशांक हमने क्या मान लिया? एच कॉमा के। और ये भी मान लिया कि ये वाला डिस्टेंस कैसा है? मिनिमम। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, माना माना वक्र पर बिंदु एच कॉमा के है। बताइए अगर एच कॉमा के बिंदु वक्र पर है तो क्या होगा? ये बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा, इसलिए बिंदु H कॉमा K से वक्र को संतुष्ट करने पर, संतुष्ट करने का मतलब X की जगह पर H और Y की जगह पर K लिख दो, X की जगह पर H और Y की जगह पर K, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन।
अब हमें न्यूनतम किसको दिखाना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब h कॉमा k तथा 0.5 के बीच दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है आपको, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो h माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, k माइनस 5 स्क्वायर, k माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो आ गई, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल D डिस्टेंस, पर इसमें वर्ग लगा हुआ है। दूसरी चीज, ये दो वेरिएबल में है, h और k है अभी इसमें, हम सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए क्या करना चाहेंगे, h स्क्वायर की जगह 2k लिखना चाहेंगे। तो D बराबर कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट एच स्क्वायर की जगह पर बेटा 2k प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। अब अंडर रूट है, हम चाहते हैं थोड़ा सा सिंपल कर लें क्वेश्चन, तो हम वर्ग हटाना, वर्गमूल हटाना चाहते हैं, तो वर्ग कर लेंगे, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर का तो रेड नहीं करेंगे, हम इसको कुछ मान लेते हैं, माना डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो अब यहां लिख दो, देयर फोर पी इज इक्वल टू 2k प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द फंक्शन, और इसको हमें कैसा दिखाना है, न्यूनतम, ठीक है। तो हम k के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू k, k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह आएगा d dk ऑफ p, इसको डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 आएगा क्योंकि k का 1 हो जाएगा, इसमें पहले k स्क्वायर का करेंगे तो 2k माइनस 5, और फिर बेटा जब k माइनस 5 का करोगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से d dk ऑफ p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 2k माइनस 10 गुणा करा दिया हमने, d dk ऑफ p की वैल्यू आ गई 2k माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8। क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी के ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0, तो हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, और आप हल करके देख लीजिए k की वैल्यू 4 मिलेगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी के स्क्वायर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालोगे 2k का 2 बन जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा। अब k की वैल्यू लिखेंगे तो k की वैल्यू क्या आई है, 4, k इज इक्वल टू 4 पर d स्क्वायर p अपॉन dk स्क्वायर, d स्क्वायर p अपॉन dk स्क्वायर में k की जगह 4 लिखना है, तो ये d स्क्वायर p अपॉन dk स्क्वायर है, इसमें k की जगह 4 लिखो, तो k तो है नहीं, तो फिर चार ना लिखो, जो है उसको नोट कर दो, कितना है ये 2, और ये कैसा है पॉजिटिव, इसलिए k इज इक्वल टू 4 पर अभीष्ट दूरी न्यूनतम है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, k इज इक्वल टू 4 पर अभीष्ट दूरी न्यूनतम है, ठीक है। अच्छा, दूरी न्यूनतम है, पर
पर हमको तो बिंदु पता लगाना था, बिंदु पता लगाना है मतलब H और K का मान चाहिए, H का मान तो 4 आ गया है, देखो H की वैल्यू 4 आ गई है, K की वैल्यू, ओ आई एम सॉरी, और तभी मैं ढूंढ रहा हूं कि H तो कहीं 4 है ही नहीं, तो ऐसा नहीं लगता कि A पार्ट सही जवाब है फिर तो इसका, क्यों? क्योंकि A में ही K की जगह 4 आ रहा है केवल, B C D में तो कहीं पर K की जगह 4 नहीं आ रहा है, तो K की वैल्यू 4 है, H अगर चाहिए तो यहां से रख के निकाल लीजिए। इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 है H स्क्वायर इज इक्वल टू 2K, K की जगह 4 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और H आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसलिए अभीष्ट बिंदु जिसको हमने H कॉमा K माना था, H की वैल्यू आ गई है 2 अंडर रूट 2 और K की वैल्यू आ गई है 4, ये अभीष्ट बिंदु आ गया हमारा। आपको पता है ये एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन का इतना बड़ा लगना अच्छी बात नहीं है भाई। इसके मुताबिक कौन सा ऑप्शन सही मिला? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुविकल्पी का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हम आपको बताएं थोड़ी बात ना बताएं। देखो दो चीजें ऐसे समझ लो आप, ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है 2 अंडर रूट 2 कॉमा 4, ऑप्शन बी है 2 अंडर रूट 2 कॉमा 0, सी में 0.0 और डी में है 2.2। एक बात गौर से सुन लीजिए, अगर आप चित्र समझ गए तो एक बात तो समझ गए कि जो बिंदु हमें निकालना है वो बिंदु इस वक्र पर स्थित होना चाहिए, और वहां जो ऑप्शन लिखे हैं पहले चेक कर लो कि कौन सा बिंदु वक्र पर है, तो जो जो बिंदु वक्र को संतुष्ट कर देंगे वो वक्र पर है। इसको देखो क्या ये संतुष्ट करेगा, x की जगह 2 अंडर रूट 2, y की जगह 4, x की जगह पर 2 अंडर रूट 2 लिखिए, वर्क करोगे कितना आएगा, 4 4 दूना और यहां y की जगह 4 दूना, इसने संतुष्ट किया कि नहीं किया, इसने ये संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, y की जगह 0 x की जगह 2 अंडर रूट 2 नहीं करेगा संतुष्ट, ये भी कर देगा संतुष्ट, 0 0 करेगा, ये संतुष्ट करेगा क्या, कर देगा संतुष्ट। ठीक, एक तो पहले ही से बाहर हो गया, ये तो नहीं हो सकता आंसर कभी भी हमारा। अब बाकी जो दो बच्चे उनमें हम एक काम करके देख लेंगे, एक शर्त तो इस पर होना चाहिए, दूसरा इसके साथ मिनिमम डिस्टेंस बनानी चाहिए, तो अब सभी बिंदुओं के इससे दूरी निकाल के देखो, 0.5 से इसकी दूरी निकाल के देखो, इसकी 0.0 की, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगी 5। इससे डिस्टेंस निकाल के देखो, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 अंडर रूट 13। इससे डिस्टेंस निकाल के देखो, 2 अंडर रूट 2 माइनस 0 फिर उसका स्क्वायर किया 8, 4 माइनस 5 माइनस 1 तो 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। अब आप देखो ये तो पहले ही आउट हो गया था, अब इनमें से कोई सही है, इसका मान कितना आएगा, देखो 9 से तो बड़ा है ये, तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। अब ये 3 से ऊपर आ रही वैल्यू, ये 5 है इसके 3 आ रही है, सबसे छोटी दूरी कौन सी है, तो बस यही हमारा सही ऑप्शन हो गया। बिना कुछ किए भी हम ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मैक्सिमा मिनिमा कर रहे हैं इसलिए करके दिखाना मुझे जरूरी था, एग्जाम में आपको आता है तो केवल टिक लगाना होगा, ये करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप दो काम कर लो, बिंदु परवलय पर होना चाहिए, दूसरा उसको दूरी भी कैसी होनी चाहिए उसकी न्यूनतम। तो दूसरा नंबर पहले ही हट गया, क्यों? क्योंकि परवलय पर ही नहीं था, बाकी 3 बिंदु परवलय पर हैं, पर उनमें से भी न्यूनतम दूरी निकाल के देखी, सबसे मिनिमम डिस्टेंस इसका आया तो हमने इसी को टिक कर दिया, और इस तरह से 27 नंबर लगा लिया। 28 और इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, लेकिन
अगली क्लास पे। तो आज इतना ही रखते हैं, मैथमेटिक्स में चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।